बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबरी टीवी के नाज़रीन, आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं और खबरी टीवी पे एक बड़ी खबर लेके आपके लिए हाजिर हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। जी हाँ, जेहलम की पुलिस ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ़्तार कर लिया है। मजहबी मुनाफरत और शरंगेज़ी और फ़िरका वारियत फैलाने के इल्ज़ाम में FIR दर्ज हुई, जिसके बाद जेहलम पुलिस हरकत में आई और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ़्तार कर लिया गया है। कुछ अरसे कबल उनका एक बयान जिसके ऊपर FIR दर्ज करवाई गई थी, वो बयान कादरी और इलियास कादरी के बारे में दिया था। और उस बयान में उन्होंने कहा था कि जी इलियास कादरी और ताहिल कादरी को कत्ल कर देना चाहिए, बल्कि शहीद कर देना चाहिए। आइए वो बयान पहले हम आपको सुनाते हैं। पहले पाकिस्तानी 7700 कत्ल हो जाएंगे, जे सारे मारो, पाकिस्तानी सफाई करो, सारे मारो, पाकिस्तानी सफाई करो। यानी कादरी तो एक निकाल लेना, इलियास कादरी और ताहिल कादरी, इन दोनों में से एक को तो शहीद होना चाहिए। मैं कत्ल नहीं कहता, क्योंकि इलियास कादरी साहब अपने लिए भी कहते हैं, अगर मुझे कोई शहीद कर दे तो मैंने माफ किया। कत्ल का लफ्ज नहीं बोलते, शहीद का लफ्ज बोलते। तो जनाब, ये था वो बयान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जिस पे पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। 295C की FIR है जिस पे इनको हिरासत में लिया गया है, अरेस्ट किया गया है और लॉकअप कर दिया गया है। इस बयान के बाद ये लाजिम है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एलानिया तौर पे तौबा करें और रुजू करें, और वैसे आम तौर पे देखा गया है कि वो तौबा कर भी लेते हैं और रुजू कर भी लेते हैं। इस मामले में भी उनको रुजू करना चाहिए। जहां इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा दूसरों की इसलाह करते हैं, अपनी भी इसलाह करें और फौरी तौर पर अपना रिजू रिकॉर्ड करवाएँ, ताकि जिन लोगों की दिलाज़ारी हुई है उसका अजाला हो सके, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल फ़िलहाल की खबर यही है कि जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है, और जैसे ही इस हवाले से कोई नई अपडेट आती है तो सबसे पहले खबरी टीवी आपको आगाह करेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, खबरी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हमारी बेहतरीन वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंचती रहें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद पे कि मुझे भूलने की कोशिश करेंगे, मगर इस यकीन के साथ कि मुझे भूल ना पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।